Hello friends, this is NST Coaching, We Shape Your Future, and I'm Nivedita, and today I'm bringing you the new scheme circular of CBSE session 2021-22. Now let's see what is the new scheme or the new notification which CBSE has given. With continuing school closure and examination disruption due to COVID-19 ki wajah se jo schools are called schools band hain abhi tak, this CBSE ne naya assessment issue kiya hai class 10th aur 12th ke liye. 2021-22 jo session year hai session hai uske liye unhone board exams do bar karane ka nirnay liya hai aur isme recording jo hogi jo kal marks ki ka recording honi hai wo internal assessment scores in order to have variety of options to calculate unke paas bahut sare options honge marks ko calculate karne ke liye तो यहाँ पे सिलेबस जो है 21-22 का जैसे लास्ट ईयर था 30% वैसा ही कट जाएगा और CBSE ने 50% जो है सिलेबस कवर किया है हर एक टर्म के लिए. पहला जो टर्म होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है. विंडो पीरियड जो उसका होगा 4 to 8 weeks होगा, जितने भी स्कूल्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री उनके लिए होगा. कभी भी ये 4 to 8 weeks के अंदर उनको कराना होगा और ये 90 minutes का पेपर होगा विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली. और इस ये स्कूल्स में ही स्कूल प्रीमाइसेस में ही हेल्ड होगा और यहाँ पे बाहर से इन्विजिलेटर या सुपरिटेंडेंट्स आएंगे. जो सेकेंड टर्म होगा वो मार्च अप्रैल के महीने में होगा 2022 में और यहाँ पे ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है. अलग अलग वेरियस फॉर्मेट्स होंगे क्वेश्चंस के, ठीक है. अगर ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो लंबा चल जाता है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होने के चांसेस हैं, नहीं चलता है. और अगर सेकेंड टर्म एग्जाम्स विल बी नहीं होता है तो सेकेंड टर्म एग्जाम्स जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट पे ही कंडक्ट होंगे. और CBSE और आगे ये कहता है कि इन्होंने गाइडलाइंस इशू किए हैं जो इंटरनल असेसमेंट है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे ज़्यादा किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि मार्क्स जो हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हर स्टूडेंट का प्रोफाइल क्रिएट किया जाए और उस प्रोफाइल में उसका इंटरनल असेसमेंट अंडरटेकन जो पूरे साल भर के लिए किया गया था उसके उसकी मार्किंग हो और वो ये सारा डिजिटल फॉर्मेट में स्कूल वाले तैयार करके अपलोड कर दें CBSE के IT प्लेटफॉर्म में, ठीक है. और CBSE आगे कहता है कि उन्होंने अलग सिचुएशंस पे क्या क्या काम हो सकता है वो सारा डिसाइड कर लिया है. तो ये सिचुएशंस हैं, अगर बोथ इफ बोथ टर्म एग्जाम्स आर हेल्ड, अगर दोनों एग्जाम्स होते हैं जो फाइनल थ्योरी मार्क्स हैं वो इक्वली स्प्लिट होंगे 50-50% मार्क्स में, ठीक है. इफ द पैंडेमिक फोर्सेज और अगर पैंडेमिक फोर्स करता है स्कूल जो है नवंबर दिसंबर तक बंद रहेगा इस साल, दो फर्स्ट टर्म जो होगा वो ऑनलाइन और घरों से दिया जाएगा बच्चे देंगे और इसका जो वेटेज होगा फाइनल मार्क्स में ज़्यादा होगा, इसका कम होगा. और इन केस अगर सेकेंड टर्म में स्कूल बंद रहते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट्स है वो किस बेसिस पे होगा, वो फर्स्ट टर्म बेसिस पे ज़्यादा डिपेंड होगा, ठीक है. और इंटरनल असेसमेंट मार्किंग होगी. और अगर स्कूल पूरी तरीके से बंद रहते हैं और जो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्जाम्स टू बी हेल्ड कंडक्टेड एट होम, अगर घर पे ही किया जाता है तो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो क्या वेटेज होगा उन पे, स्कोर्स जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट बेसिस पे होंगे, प्रोजेक्ट मार्किंग होगी, प्रैक्टिकल वर्क होगा, ठीक है. और ये एज वेल एज बोथ द टर्म एग्जामिनेशंस जो ऑनलाइन एग्जाम दिया उस बेसिस पे होंगे. दिस वाज ऑल CBSE's नोटिफिकेशन फ्रॉम NST कोचिंग एंड आई एम निवेदिता एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन बी इन टच. थैंक यू वेरी मच.